हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप अपने समय का सही उपयोग कर रहे होंगे। ये वीडियो बीटा फंक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज़ और एग्जांपल से रिलेटेड है। नोट्स ऑलरेडी आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड किए हुए हैं, ये कमेंट्री आपको पढ़ने में मदद करेगी, इस उम्मीद के साथ ये वीडियो लेकर हाजिर है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बीटा गामा फंक्शंस आर इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। यहाँ हम केवल बीटा फंक्शन की बात करेंगे। बीटा फंक्शन इज नथिंग बट एन इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म 0 to 1 एक्स पावर एम माइनस वन, वन माइनस एक्स पावर एन माइनस वन डी एक्स विथ एम एंड एन पॉजिटिव नंबर्स। This integral is called beta function and it is denoted by beta mn. Thus, beta mn is integral 0 to 1, variable power m minus 1, 1 minus variable power n minus 1 dx, m and n are positive. With this definition, there are two properties of beta function. Number one, beta function is symmetric, that means beta mn equal to beta nm. And second is the relation between beta and gamma function, which says that beta mn is equal to gamma m into gamma n upon gamma m plus n. Problem solve karte samay humko ye properties ka use hoga. Now this is a example, or sometimes it can also be treated as property. So beta mn is equal to 0 to infinity x power m minus 1 upon 1 plus x power m plus n dx, or this m can be replaced by n. So integral 0 to infinity x power n minus 1 upon 1 plus x power m plus n dx is also beta mn. Step 1, by definition of beta function, we write beta function in some other variable. Beta mn is equal to 0 to 1 t power m minus 1, 1 minus t power n minus 1 dt, where m and n are positive. कई बार problems को solve करते समय उनको observe करके हम उनके substitution identify कर सकते हैं, और sometime we have to remember the substitution. हमारी requirement है x power m minus 1 upon 1 plus x power m plus n. तो यहाँ x पुट करने से m माइनस वन तो आ जाता है, लेकिन डिनोमिनेटर में भी हमको 1 प्लस एक्स टर्म चाहिए, तो हम पुट करते हैं t इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 1 और 1 प्लस एक्स. नाउ सिंस डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज सेम, सो इट कैन बी डिवाइडेड. तो प्लस 1 माइनस 1 न्यूमरेटर में एडजस्ट करके x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 विल बी 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स. हमने t को x में कन्वर्ट किया था, तो टी से रिलेटेड सभी चीज़ें एक्स में कन्वर्ट होगी, स्पेशली डी टी एंड लिमिट्स. तो टी इक्वल टू वन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स की हेल्प से डी टी इज वन का डेरिवेटिव जीरो माइनस वन अपॉन एक्स, कैपिटल एक्स मानकर यदि डिफ्रेंशिएट किया तो इट इज़ माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन इज वन. सो डी टी इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स. नाउ लिमिट्स, वेन lower limit t is 0, when t is 0, तो यहाँ यदि हम put करें t is 0 is equal to 1 minus 1 upon 1 plus x, तो उसको shift कर दिया तो 1 upon 1 plus x equal to 1 दिखेगा. This is possible when x is 0. So t equal to 0 gives x equal to 0. Now when t is 1, upper limit 1, तो यहाँ पर पुट करते हैं 1 इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, तो 1 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमको दिखेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0. नाउ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0 होने के लिए दिस एक्स मस्ट बी इन्फिनिटी, सो दैट 1 अपॉन इन्फिनिटी विल टेंड टू 0. सो व्हेन टी इज 1, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी. नाउ विद दिस लिमिट्स अवर बीटा एम एन बिकम्स 0 to infinity, t के लिए प्लेस किया
x upon 1 plus x power m minus 1, 1 minus x upon 1 plus x power n minus 1, and dt is 1 upon 1 plus x square dx. Now numerator में x x की term दिख रही है, denominator में 1 plus x की term दिख रही है, तो सभी power को collect कर लें. उसके पहले हम इसको simplify कर लें, LCM लिखें. तो LCM is 1 plus x, 1 plus x into 1, 1 plus x minus x, cancel x, बचा 1. न्यूमरेटर में x का पावर m माइनस 1 सिंगल टर्म है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस x का पावर m माइनस 1 प्लस n माइनस 1 प्लस 2, तो माइनस 2 प्लस 2 के साथ कैंसिल होकर बच गया 1 प्लस x का पावर m प्लस n. दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट. नाउ वी इंटरचेंज m एंड n, so we get beta nm is equal to 0 to infinity x power n minus 1 upon 1 plus x power m plus n, and since beta function is symmetric, beta mn is equal to beta nm, we get our required result, beta n mn is 0 to infinity x power m minus 1 upon 1 plus x power m plus n dx, same as integral 0 to infinity x power n minus 1 upon 1 plus x the power m plus n dx. तो ये प्रॉपर्टी का पैटर्न क्या है ये जरा समझ लेते हैं. ओरिजिनल डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन इज 0 टू 1, और इस पैटर्न में x और 1 माइनस x के पावर्स हैं. हियर द प्रॉपर्टी सेज बीटा एम एन इज इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी विथ x पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x पावर m प्लस n. अब यहाँ पर m हो या n हो, रिजल्ट इज बीटा एम एन, बीटा एम एन. प्रॉब्लम सॉल्व करते समय इसकी काफ़ी हेल्प होती है. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, टू प्रूव बीटा एम एन इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू पाई बाय 2, इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 साइन थीटा का पावर 2m माइनस 1 कॉस थीटा का पावर 2n माइनस 1 डी थीटा. दिस आर ट्रीटेड एज प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन ऑल्सो. बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन वी राइट बीटा एम एन इज इक्वल टू 0 टू 1 टी पावर एम माइनस 1, 1 माइनस टी पावर एम माइनस 1 डी टी, एम एट एन आर पॉजिटिव. अब वी वॉन्ट दिस इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो 1 माइनस टी को ध्यान में रखते हुए वी पुट टी इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, देन डी टी विल बी 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा. लोअर लिमिट व्हेन टी इज 0, साइन स्क्वायर थीटा इज 0, दैट गिव्स साइन थीटा इज 0, मीन्स थीटा इज साइन इनवर्स 0, means theta is 0. When t is upper limit 1, so we get sine square theta is 1, means sine theta is 1, means theta is sine inverse 1, gives theta equal to pi by 2. So with this limit, our beta mn becomes 0 se pi by 2, t ke place pe rakha sine square theta, power is m minus 1, 1 minus sine square theta, power is n minus 1, डी टी के लिए मिला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा. सो दिस इज साइन थीटा का पावर 2 टाइम्स 2 एम माइनस 1 विच मीन्स 2m माइनस 2. इट इज कॉस स्क्वायर थीटा का पावर n माइनस 1 मीन्स कॉस थीटा का पावर 2n माइनस 2. ये 2 इंटीग्रल के बाहर की है, साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा. साइन थीटा के पावर मिला देते हैं तो साइन थीटा पावर 2m माइनस 2 प्लस 1 यानी माइनस 1, cos theta का पावर 2n माइनस 2 प्लस 1 2n माइनस 1. सो दिस इज द प्रॉपर्टी फॉर बीटा फंक्शन इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ओके, नेक्स्ट इज बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू 1 x पावर m माइनस 1 प्लस x पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x पावर m प्लस n dx. अब ये जो पैटर्न है ये पैटर्न से रिलेटेड मिलता जुलता कुछ एग्जांपल हमने फर्स्ट देखा था. बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी एक्स पावर एम माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स पावर एम प्लस एन डी एक्स. सो इसी को लेकर हम प्रॉब्लम को कंटिन्यू करते हैं. बाय प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन वी हैव बीटा एम एन इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी एक्स पावर एम माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स पावर एम प्लस एन डी एक्स. हमारी लिमिट लेकिन 0 से 1 है, तो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज है, इसको ब्रेक कर देते हैं 2 इंटीग्रल्स में 0 से 1 एंड 1 से इन्फिनिटी. तो ये एक रिक्वायरमेंट है हमारे रिजल्ट का. इस इंटीग्रल को कुछ नोटेशन दे देते हैं आई, और ये आई को सॉल्व करेंगे जिसमें लिमिट 0 से 1 आ जाए.
तो वन तो चाहिए ही थी, वन है, इन्फिनिटी को रिप्लेस करना चाहते हैं ज़ीरो लिमिट से, तो ऐसा कुछ रिलेशन पुट करते हैं जिससे ये हमारा पर्पज सॉल्व हो जाए। तो वी पुट एक्स इज इक्वल टू वन बाई टी इन आई, सो दैट डी एक्स इज वन अपॉन वन बाई टी का डेरिवेटिव माइनस वन बाई टी स्क्वायर डी टी। वैन एक्स इज वन ऑफकोर्स टी इज वन, एंड वैन एक्स इज ज़ीरो वैन एक्स इज इन्फिनिटी, एक्स इज इन्फिनिटी टी टेंस टू ज़ीरो। सो विद दिस लिमिट अवर आई बिकम वन से ज़ीरो, एक्स के लिए वन बाई टी का पावर एम माइनस वन, वन प्लस वन बाई टी का पावर एम प्लस एन, डी एक्स इज माइनस वन बाय टी स्क्वायर डी टी। ये माइनस साइन से लिमिट्स विल बी लिमिट विल गेट इंटरचेंज बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। टी के पावर कलेक्ट कर ले तो टी ये ऊपर जाके माइनस वन होगा, पावर में एम माइनस वन है तो माइनस एम प्लस एम हो गया। फिर जब यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये टी प्लस वन अपॉन टी, टी प्लस वन का पावर एम प्लस एन, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में टी है जिसका पावर एम प्लस एन, वो भी ऊपर जाके जमा हो जाएगा एम प्लस एन, ये स्क्वायर डिनोमिनेटर में, ये ऊपर जाके माइनस टू। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन माइनस एम प्लस एम गया एन, वन माइनस टू माइनस वन, टी पावर एन माइनस वन अपॉन वन प्लस टी पावर एम प्लस एन। नाउ डेफिनेट इंटीग्रल डज नॉट डिपेंड ऑन वेरिएबल, सो वी कैन रिप्लेस वेरिएबल टी बाय एक्स एंड पुट दिस आई इन वन। सो अवर बीटा एम एन विल बी देन जीरो से वन, इंटीग्रल जीरो से वन एक्स पावर एम माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स पावर एम प्लस एन डी एक्स, प्लस इंटीग्रल जीरो से वन एक्स पावर एन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स पावर एम प्लस एन डी एक्स। दोनों इंटीग्रल के लिमिट सेम है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे एंड दिस इज अवर रिजल्ट। नाउ यूजिंग डेफिनेशन एंड अबव प्रॉपर्टीज वी सॉल्व सम सिंपल एग्जाम्पल्स, स्मॉल एग्जाम्पल्स। इवेल्युएट यूजिंग बीटा गामा फंक्शन, इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी एक्स पावर 3 अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 9 डी एक्स। ये हमको हमारे एग्जाम्पल 1 के समान दिख रहा है, तो सबसे पहले तो इसको माइनस 1 के फॉर्म में लिख लेते, तो 4 माइनस 1 लिखा जा सकता है और वही 4 की हेल्प से 9 को एक्सप्रेस करें 4 प्लस 5। सो बाय दैट एग्जाम्पल 1 दिस इंटीग्रल विल बी बीटा 4 5। नाउ देर इज़ अ रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गैमा फंक्शंस, बीटा एम एन इज इक्वल टू गैमा एम इंटू गैमा एन अपॉन गैमा एम प्लस एन। सो वही रिलेशन लगा के ये बन गया हमारा गैमा 4 गैमा 5 अपॉन गैमा 4 प्लस 5। अगेन देर इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ गैमा फंक्शन दैट गैमा एन प्लस 1 इज एन फैक्टोरियल इफ एन इज नेचुरल नंबर। तो यदि नेचुरल नंबर होगा तो गैमा के अंदर जो नंबर होगा वो उसके एक नंबर कम का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो गामा 4 विल बी 3 फैक्टोरियल, गामा 5 विल बी 4 फैक्टोरियल, गामा 9 विल बी 8 फैक्टोरियल। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट 1 अपॉन 280। नेक्स्ट प्रॉब्लम 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन रूट एक्स 1 प्लस एक्स। फिर से ये उसी पैटर्न में दिख रहा है, बट ये x न्यूमरेटर में चाहिए तो उसको लेकर जाते हैं x पावर माइनस हाफ अपॉन 1 प्लस x पावर कुछ नहीं मतलब 1। अभी जो माइनस हाफ है ये माइनस हाफ हम माइनस 1 के फॉर्म में चाहते हैं, तो हम ऐसा सॉल्व कर सकते हैं कि से m माइनस वन इज इक्वल टू माइनस हाफ, m माइनस वन इज इक्वल टू माइनस हाफ। तो व्हाट विल बी m, माइनस वन को उधर भेजा राइट साइड में तो माइनस हाफ प्लस वन विल बी हाफ। तो यस वी कैन राइट दिस x पावर माइनस हाफ एज x पावर हाफ माइनस वन, और फिर इस हाफ की हेल्प से हम ये जो डिनोमिनेटर में पावर है उसको एक्सप्रेस करेंगे, तो वन कैन बी रिटन एज हाफ प्लस हाफ बाय दैट प्रॉपर्टी। एग्जांपल वन में जो प्रूव किए थे दिस विल बी बीटा हाफ हाफ, एंड बाय बीटा गामा फंक्शन दिस इज गामा हाफ अपॉन गामा हाफ प्लस हाफ। अगेन देर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ गामा फंक्शन दैट गामा हाफ इज इक्वल टू रूट पाए, अगेन गामा हाफ इज रूट पाए, गामा वन बाय प्रॉपर्टी इट इज वन। सो आंसर इज नेक्स्ट वन इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स पावर 5 अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 15। तो डिनोमिनेटर तो ठीक है, न्यूमरेटर में हमको दो टर्म दिख रहे तो पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर 9। अब लिमिट 0 से इन्फिनिटी होने की वजह से ये दो टर्म की
कारण हम दो अलग अलग इंटीग्रल तैयार कर सकते हैं, एक्स पावर फोर के साथ एक हो गया, एक्स पावर नाइन के साथ हो गया। नाउ फोर को माइनस वन के टर्म में लिखेंगे तो फाइव माइनस वन, और ये फाइव की हेल्प से डिनोमिनेटर में जो पावर है फिफ्टीन उसको लिख दिया फाइव प्लस टेन। नाइन को माइनस वन के फॉर्म में लिखेंगे तो टेन माइनस वन, और उस टेन की हेल्प से ये पावर फिफ्टीन को लिखा टेन प्लस फाइव। सो दिस इंटीग्रल बाय दैट प्रॉपर्टी ऑफ एग्जाम्पल वन बिकम गामा फाइव टेन प्लस दिस विल बी गामा टेन फाइव। बट बीटा फंक्शन इज सिमेट्रिक सो वी कैन राइट इट एज बीटा फाइव टेन, सो बीटा फाइव टेन प्लस बीटा फाइव टेन बिकम्स टू टाइम्स बीटा फाइव टेन। बाय रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन इट इज गामा फाइव गामा टेन अपॉन गामा फाइव प्लस टेन। गामा फाइव मीन्स फोर फैक्टोरियल, गामा टेन का एक नंबर कम का यानी नाइन का फैक्टोरियल, गामा फिफ्टीन मतलब फोर्टीन का फैक्टोरियल। आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस आंसर इज वन अपॉन फाइव थाउजेंड फाइव। नोट वन थिंग दैट इफ दिस साइन इज माइनस साइन माइनस साइन माइनस साइन एंड बीटा आर सिमेट्रिक फंक्शन तो बीटा एम बीटा फाइव टेन माइनस बीटा फाइव टेन विल बी जीरो। यस नेक्स्ट प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन दैट कंसेप्ट। इंटीग्रल जीरो से इन्फिनिटी एक्स पावर एट इंटू वन माइनस एक्स पावर सिक्स अपन वन प्लस एक्स पावर ट्वेंटी फोर, पहले ब्रैकेट ओपन करके एक्स पावर एट माइनस एक्स पावर फोर्टीन दो सेपरेट इंटीग्रल्स तैयार कर लिए। एट को मेंशन किया नाइन माइनस वन, वो नाइन की हेल्प से ट्वेंटी फोर को लिखा नाइन प्लस फिफ्टीन, बीच में माइनस है। फोर्टीन को माइनस वन के फॉर्म में फिफ्टीन माइनस वन, फिफ्टीन की हेल्प से ट्वेंटी फोर को लिखा फिफ्टीन प्लस नाइन। नाउ बाय प्रॉपर्टी ऑफ एग्जांपल वन दिस इज बीटा नाइन फिफ्टीन माइनस बीटा फिफ्टीन नाइन, बीटा इज सिमेट्रिक फंक्शन तो सब्ट्रैक्ट होकर रिजल्ट इज जीरो। टू मोर एग्जांपल्स, इंटीग्रल जीरो टू वन अंडर रूट एक्स इंटू वन माइनस एक्स। नाउ सी हियर लिमिट्स आर जीरो टू वन, तो बीटा फंक्शन की डेफिनेशन में लिमिट जीरो टू वन है तो इसको बीटा फंक्शन की डेफिनेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करते। फिर अंडर रूट ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स एक्स पावर हाफ वन माइनस एक्स पावर हाफ। अब ये हमको चाहिए एम माइनस वन के फॉर्म में तो सिंप्लीफाई एम माइनस वन इज इक्वल टू हाफ, सो वॉट विल बी एम एम माइनस वन इज इक्वल टू हाफ, माइनस वन को उधर शिफ्ट किया तो हाफ प्लस वन विल बी थ्री बाई टू, तो ये लिखा जा सकता है थ्री बाय टू माइनस वन। सिमिलरली ये चाहिए एन माइनस वन के फॉर्म में तो राइट डाउन एन माइनस वन इज इक्वल टू हाफ, एन माइनस वन इज इक्वल टू हाफ, अगेन विल गेट एन एज थ्री बाय टू, सो दिस हाफ इज अगेन थ्री बाय टू माइनस वन। Now by definition of beta function, this is beta m is 3 by 2 gamma beta m n 3 by 2 3 by 2 which is gamma 3 by 2 gamma 3 by 2 and gamma 3 by 2 plus 3 by 2. Now gamma n plus 1 is n factorial hota tha jab n natural number ho, but if it is not natural number then property of gamma function is gamma n plus 1 is n gamma n. So this 3 by 2 can be written as half plus 1, and by this property gamma n plus 1 is n gamma n, it will be half gamma half. Similarly this will be half gamma half upon 3 by 2 plus 3 by 2 होने से वो हो गया 3 gamma 3, and gamma half is root pi, gamma half is root pi, gamma 3 is 2 factorial. After simplifying this answer is 5 by 8. लास्ट एग्जाम्पल जीरो टू वन इंटीग्रल एक्स पावर थ्री बाई टू अंडर रूट वन माइनस एक्स डी एक्स। जीरो टू वन डेफिनेशन के फॉर्म में है तो डेफिनेशन के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं एक्स पावर थ्री बाई टू वन माइनस एक्स का पावर हाफ डी एक्स। नाउ वी वॉन्ट दिस पावर इन द फॉर्म ऑफ एम माइनस वन, सो टेक एम माइनस वन इज इक्वल टू थ्री बाई टू, एम माइनस वन इज इक्वल टू थ्री बाई टू, माइनस वन को इधर शिफ्ट किया थ्री बाई टू प्लस वन दैट विल बी फाइव बाई टू, सो ये लिखा गया फाइव बाई टू माइनस वन एंड हाफ अभी देखा था ऊपर थ्री बाई टू माइनस वन, सो इट इज़ बीटा एम यानी फाइव बाई टू एंड एन थ्री बाई टू, गामा फाइव बाई टू गामा थ्री बाई टू अपॉन गामा फाइव बाई टू प्लस थ्री बाई टू। नाउ दिस फाइव बाई टू कैन बी रिटन एज थ्री बाई टू प्लस वन, सो बाय प्रॉपर्टी ऑफ गामा फंक्शन इट विल बी थ्री बाई टू इंटू
गामा 3/2, और अभी ऊपर देखा था गामा 3/2 यानी 1/2 गामा 1/2, सिमिलरली गामा 3/2 इज हाफ गामा 1/2, 5/2 प्लस 3/2 8/2 दैट इज 4, गामा हाफ इज √5, आफ्टर सिंप्लीफाइंग आंसर इज 5/16। सो फ्रेंड्स, होप करते हैं कि ये कमेंट्री आपके कुछ काम आए। फ्यूचर में और किसी डिफरेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन, जय गणित, गुड बाय।